आज हम माणिक रत्न के बारे में बात कर रहे हैं। माणिक रत्न क्या है, किसे पहनना चाहिए, इसकी धातु क्या होती है और किसे नहीं पहनना चाहिए। देखिए, तो बात करते हैं माणिक रत्न के बारे में। जैसे कि ये माणिक रत्न आप देख सकते हैं, ये माणिक रत्न है और भी छोटे छोटे सैंपल्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत रत्न होता है, ये बहुत अट्रैक्टिव होता है। और अट्रैक्शन से इसकी बात करें अगर, तो ये लोगों के लाइफ में भी उन्हें अट्रैक्टिव बनाता है जी। ये सूर्य का रत्न है। जैसे हम सूर्य से ऊर्जावान होते हैं, सूर्य को देख करके हमारे लाइफ में बहुत सी मतलब रोशनी प्रकाश से भर जाता है, हर एक कोना जो है ना मतलब लाइफ का खिल जाता है। लाइक जैसे सूर्य भगवान जब भी मतलब इस धरती पे उगते हैं जब भी, तो देखो एक भी ऐसा कोना नहीं बचता है जहाँ पे उनके उनका प्रकाश से। उसी प्रकार से ये रत्न भी आपके जीवन में ऐसे ही काम कर रहा होता है, आपके जीवन में प्रकाश डाल रहा होता है। आपकी कुंडली जहाँ भी चार्ट में किसी भी तरह का आपके प्रॉब्लम्स आ रही है, सूर्य की कमजोरी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं या जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, तो ये सूर्य का माणिक आपकी लाइफ में प्रकाश डालता है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य का जो माणिक है किसे पहनना चाहिए। देखिए, ये सिंह राशि सूर्य भगवान की राशि है, तो ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। सिंह राशि वाले इसे पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत 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 शुभ होने वाला है। क्योंकि ये रत्न आपके लिए कहीं ना कहीं, अगर किसी भी तरह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो गया, या फिर जॉब नहीं मिल रही, या फिर आपको जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, या रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इस रत्न को पहनिए। सिंह राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और लोगों के लिए मैं अलग से बताता हूँ कि उन्हें किस किस सिचुएशन में पहनना है, कब किस कंडीशन में पहनना है।